हाय फ्रेंड्स, ज्ञान की दीपक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको सरसों का खेत दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सरसों का खेत है। सरसों आमतौर पर जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाई जाती है और यह मार्च के महीने में बिल्कुल रेडी हो जाती है। किसी किसी फरवरी में रेडी हो जाती है जो जल्दी लगाते हैं, नहीं तो मार्च और अप्रैल में तो रेडी हो ही जाती है। और इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा रहती है उस समय, 50-60-70 रुपया अलग अलग प्रदेश के हिसाब से इसका कीमत रहती है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब ये पौधा बहुत ही छोटा होता है इस तरह से, तभी इसमें फूल लगना शुरू होता है। जैसे ही पौधा ऊपर बढ़ता है तो इसमें, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये फूल है इसका, जैसे ही पौधा ऊपर को जाता है यहाँ पे फल में कन्वर्ट होते जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फल लगे हुए हैं जो कि लगभग आज से 20 दिन पहले इस पर लग चुके होंगे। और इसके बाद यह ऊपर को फूल लगते हैं, फल लगते हैं। इस तरह से इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी होती है और इसकी हाइट भी लगभग 4 फीट के आसपास चली जाती है। और सरसों जो है सर्दियों में होती है, अगर अधिक बारिश होती है तो इसमें काफ़ी नुकसान होता है, पौधे गिर जाते हैं, जिसके कारण बारिश में काफ़ी बचाव करना पड़ता है इसका। और तेज़ हवाओं में भी ये गिर जाती है जब फसल इसमें भारी होती है। तो दोस्तों इसको जो है बारिश और आंधी तूफान से ये नुकसान होता है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी खेती है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।